अभी दो दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में अपना सीना ठोक के बोला, मोदी हर भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई की गारंटी देता है। ये मैंने नहीं बोला, भारत के प्रधानमंत्री ने बोला। लेकिन अभी रास्ते में आते वक्त जो समाचार देखा मैंने, तो मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक हैं। मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी तो दो दिन पहले दी, लेकिन आज चक्की पिसिंग वाले सिंचाई घोटाले में शामिल हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप जिस अजीत पवार पे लगा, उसको महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया। आज छगन भुजबल जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहते हैं, उनको मंत्री बनाया। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचार करो, चाहे जितनी बड़ी लूट करो, चाहे जितनी बड़ी गुंडागर्दी करो, चाहे महिला पहलवानों के साथ छेड़खानी करो, कुछ भी करो, लेकिन बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे पाप गुनाह और भ्रष्टाचार धुल जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आज भारत के सभी टीवी चैनल नरेंद्र मोदी जी की आलोचना में अपने टीवी चैनल पे कार्यक्रम चलाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री का दोहरा चरित्र है कि उन्होंने दो दिन पहले कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोदी कार्रवाई की गारंटी देता है, और आज सारे भ्रष्टाचारियों को महाराष्ट्र में शामिल कर लिया अपने साथ। तो सवाल यह है कि जब तक वही लोग दूसरी पार्टियों में रहते हैं, भ्रष्टाचारी रहते हैं, गुंडे रहते हैं, माफिया रहते हैं, और जैसे ही वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं, राजा हरिश्चंद हो जाते हैं, ये कौन सी वॉशिंग मशीन लेके आए हैं मोदी जी, जरा देश को बताइए और दिखाइए। ये कौन सी, आप एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, आपने तो अपनी पार्टी को भ्रष्टाचार की गंगोत्री बना दिया। सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हो रहे हैं, नंबर एक। दूसरा विषय, आज उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी हर जिले में लालटेन जुलूस निकाल रही है, और इसके माध्यम से हम डबल इंजन की सरकार को यह कहना चाहते हैं कि मोदी जी, आप रात की बिजली का दाम 20% महंगा करने जा रहे हैं, यह अन्यायपूर्ण फैसला है। एक तो उत्तर प्रदेश में 10-10, 12-12 घंटे बिजली की कटौती होती है, गांवों में बिजली गायब रहती है, ट्रांसफार्मर तार खंभे आप बदलते नहीं, 27,000 मेगावाट की जरूरत है, 4,000 मेगावाट की खाली आप पैदा करते हैं, तो आपने 67,000 कर्मचारी बिजली विभाग में कम है, तो आपने बिजली विभाग का तो बेड़ा गर्क कर दिया है मोदी योगी दोनों के इंजन ने। तो मैंने तो कह दिया कि ये डबल इंजन नहीं, ये मनोरंजन है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन मनोरंजन बन गया है, उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का एक साधन बन गया है। तो बिजली कटौती और बिजली के महंगे दाम एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि योगी जी ने चुनाव के पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री की जाएगी, फ्री बिजली तो दूर, बिजली के दाम महंगे हो गए। दूसरा विषय, बीजेपी इस देश में भारतीय झगड़ा पार्टी बन चुकी है, हिंदू का मुसलमान से झगड़ा, हिंदू का सिख से झगड़ा, हिंदू का ईसाई से झगड़ा, हिंदू का हिंदू से झगड़ा, जाट का गैर जाट से झगड़ा, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा, आदिवासी दो समुदायों का मणिपुर में झगड़ा, किसान का नौजवान से झगड़ा, पहलवान का जवान से झगड़ा, ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। इसके रहते हुए सिर्फ देश में झगड़े हो सकते हैं, ना अस्पताल बनेगा, ना स्कूल बनेगा, ना सड़कें बनेगी, ना तरक्की होगी। तो झगड़ा कराना है तो बीजेपी के साथ जाओ, और देश की तरक्की चाहिए तो आम आदमी के साथ आओ। यही हम अपने सम्मेलनों के माध्यम से लोगों को अपना संदेश देने का काम कर रहे हैं। एक अंतिम विषय यूसीसी का है।
आम आदमी पार्टी का स्टैंड है कि यूसीसी पे सभी धर्मों से सभी समुदायों से बातचीत कीजिए, क्योंकि आज लोगों के मन में डर है कि देश की राजधानी तो दिल्ली है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजधानी नागपुर है, और वो नागपुर के प्रमुख ये कहते हैं कि दलितों पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो एक देश एक कानून के नाम पर अगर कल को आप दलितों पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देंगे तो एक गंभीर स्थिति देश के अंदर पैदा हो जाएगी, क्योंकि इस देश में दलितों को अलग राइट, आदिवासियों को अलग राइट, पिछड़ों को अलग राइट और अलग अलग धर्म समुदाय के लोगों को अलग अलग अधिकार मिले हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि सबसे बात कीजिए, सबको विश्वास में लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म पार्टी है कि NDPP नागालैंड की जो सरकार है उनकी, उसमें 5 मंत्री अभी भी बने हुए हैं और NDPP ने UCC का विरोध कर दिया। मेघालय की सरकार में BJP के मंत्री बैठे हुए हैं और संगमा ने विरोध कर दिया। मिजोरम की सरकार में BJP वाले बैठे हुए हैं और मिजोरम की सरकार ने विरोध कर दिया। तो भाई नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लोगों को 371 का राइट है, उन्होंने विरोध कर दिया। भाजपाई कहते हैं गोवा की UCC लागू करेंगे, गोवा की अरे भाई गोवा की UCC पढ़ाया आपने? गोवा की UCC में लिखा हुआ है कि अगर एक हिंदू महिला को बेटा नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, हिंदू महिला को बेटा नहीं होगा तो हिंदू पति दूसरी शादी कर सकता है। यही कानून पूरे देश में लागू करना चाहते हैं भाजपा ही। अगर ये कानून लागू करेंगे तो भाजपा वाले जितने सांसद हैं उनकी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा देंगी। इसलिए देश को विश्वास में लीजिए, सच बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं। UCC संविधान की धारा 44 में है और उसमें लिखा है सभी समुदायों से बातचीत करके आप बनाएंगे, इसलिए सैद्धांतिक रूप से हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सभी धर्म समुदाय के लोगों से बातचीत करनी है। सर, गठबंधन की बात हो रही है, गठबंधन बनाया जा रहा है, कितना सक्सेस रहेगा गठबंधन ये? देखिए ऐसा है कि जो पटना की मीटिंग हुई और उसके बाद जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बौखलाए हुए हैं, 2 घंटा स्पीच दे रहे थे वहाँ भोपाल में, तो सारी पार्टियों को गाली दे रहे थे, इसको फायदा पहुँचाना है तो उसको वोट दो, उसको फायदा पहुँचाना है तो उसको वोट दो। मैं तो मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूँ, भैया अडानी को फायदा पहुँचाना है तो किसको वोट दो? अगर हवाई जहाज, सीपोर्ट, एयरपोर्ट, सड़क, बिजली, पानी, रेल, सेल, सब बैंक वैंक सब अडानी को देना है तो किसको वोट दिया जाए, बता दो। तो देश बेचने का काम कर रहे हो, सारे देश में चुन चुन के भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो, इसलिए भाजपाइयों का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुका है। मैंने आपसे जैसा कहा, ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और इसलिए देश में जो भी गठबंधन या जो भी स्वरूप बनेगा, जनता इस बार BJP को बुरी तरीके से चुनाव में हराएगी। 24 में इनको जाना होगा, इनको देश के अंदर बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा, 2 करोड़ नौकरियों का, काला धन का, 15 लाख का, किसान के फसल के दाम का, बढ़ी हुई महंगाई का, गैस के सिलेंडर का, टमाटर 100 रुपये किलो हो गया, सब पूछ रहे हैं टमाटर टमाटर टमाटर, और मोदी जी कह रहे हैं UCC UCC UCC। सर प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? आप सोचिए, आप मणिपुर जल रहा है, मेट्रो में घूम रहे हैं मोदी जी, शर्म नहीं आती उनको? प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखे? ये अलग विषय है, ये तो कभी भी तय हो जाए। गठबंधन में आप होंगे क्या, जो गठबंधन 1-to-1 की बात? आम आदमी पार्टी ने एक स्टैंड लिया है काले अध्यादेश पर, कांग्रेस पार्टी को अपना मत सार्वजनिक करना चाहिए, और जब तक कांग्रेस पार्टी अपना मत सार्वजनिक नहीं करती है तब तक आम आदमी पार्टी ऐसी किसी बैठक में जिसमें कांग्रेस पार्टी है, हमारे लिए जाना मुश्किल है। इसलिए कांग्रेस को अपना स्टैंड काले अध्यादेश पर, जो दिल्ली के 2 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ है, जो डेमोक्रेसी और संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ है, उस पर स्पष्ट करना चाहिए।